भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में पीसीयू में लगी आग, 4 नवजात बच्चों की मौत, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। विराट कोहली का बतौर T20 कैप्टन आखिरी मैच, भारत ने नामीबिया को हराया। कोहली ODI और टेस्ट मैच में करते रहेंगे टीम की अगुवाई। नवंबर अंत से शुरू होगा संसद का शीत सत्र, 23 दिसंबर तक चलेगी कार्यवाही। महंगाई और लखीमपुर मामले पर विपक्ष के केंद्र को घेरने की योजना। केरल में प्रभावी हुआ डिजिटल विश्वविद्यालय अधिनियम, अब डिजिटल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा IITM के। डिजिटल टेक्नोलॉजी को मिलेगा बढ़ावा। उमर खालिद ने दिल्ली दंगों में लगाया साजिश का आरोप, कहा गवाहों ने खुद नहीं लिखे बयान, आधे सच पर नहीं बन सकता केस। अफगानिस्तान में खुले बड़ी छात्राओं के स्कूल, हेरात में कक्षा 12 तक की छात्राएं जा रही पढ़ने, पहले कक्षा 6 तक खोले गए थे स्कूल। भारतीय को राहत, कोवैक्सीन को अप्रूव टीकों की सूची में शामिल करेगा ब्रिटेन, 22 नवंबर से प्रभावी होगा नियम, प्रवेश पर नहीं होगी क्वारंटीन की जरूरत। और दक्षिणी नाइजर में पुआल और लकड़ी से बने स्कूल में आग लगने से 25 बच्चों की मौत, 13 घायल, 4 की हालत गंभीर हुई, 5-6 साल की उम्र के थे बच्चे। दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक है नाइजर।